वेलकम सुस्वागतम अवतार डॉट क्लीडिंग क्लासेस में। मैं अमरजीत गुप्ता आज फिर आप लोग को लेके आया हूँ आ क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आप लोग को बताया था कि यूट्यूब पे हमेशा 3:30 बजे आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन हम लोग पार्टिकुलर लेंगे, जो बेसिकली 9th, 10th और 10th पास बच्चों और जो ITJEE का प्रिपरेशन करता है उनके लिए भी क्वालिटी के क्वेश्चन को पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है वही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं आज का क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, आई मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² + x + 2 / 3x + 1 = k हैज रियल रूट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले रूट्स के बारे में आप ये क्लियर हो जाइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, मतलब जो हमारा इसमें अननोन है उसका हम लोग क्या कर दें, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर दें और वो वैल्यू क्या कर दें, हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। तो दैट्स मीन्स रूट्स वही हो जाता है, वही मेरा जीरोस हो जाएगा और ये आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमको बोल रहा है रियल रूट्स। तो सबसे पहले ये है क्या, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ऑलरेडी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। रियल होने के लिए कंडीशन होता है कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, मतलब डी जो हो जाना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, रियल होने के लिए, और नहीं तो डी बराबर जीरो हो जाना चाहिए। तो आप लोग पढ़े हैं जब मेरा डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स मेरा कैसा हो जाएगा, रियल होगा एंड अनइक्वल रूट्स होगा, रियल और क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। और डी इक्वल टू जीरो में आपका रियल होगा, रूट्स आपका रियल होगा और कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रियल रूट्स होने के लिए, तो रियल रूट्स होने के लिए अगर आप हमसे पूछते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं कंडीशन फॉर रियल रूट्स। तो रियल रूट्स होने के लिए आपका क्या हो जाना चाहिए, डी जो हो जाना चाहिए उसका यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव होने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लिख ले, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, डी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। डी दरअसल हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और डी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका b² - 4ac। तो ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार बात है, इसके लास्ट में आप देखिएगा कुछ और चीज़ का यूज़ हुआ है जैसे इनइक्वालिटी, और ये ITJEE के लिए हमारे ख्याल से बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि आप देख के ही बता सकते हैं। तो दैट इज़ ए कॉन्सेप्ट, इसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर नहीं है बुक वगैरह की हाँ आप करें। तो एक छोटा सा टॉपिक है इनइक्वालिटी, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, उसमें करवा दूंगा। तो यहाँ पे डी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए रियल रूट्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका x² + x + 2 = हो जाएगा आपका k * 3x + 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3kx और प्लस हो जाएगा आपका k, और सबको हम लोग एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² + x + 2 - 3kx - k = 0। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये लिख लेते हैं हम लोग x², यहाँ पे x है तो आप क्या कर दीजिए, x यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 3k और * यहाँ पे हो जाएगा आपका x, और दूसरा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 - k = क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब हम अपने डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, d मेरा क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, किसके लिए, हैज रियल रूट्स के लिए। तो यहाँ पे d का वैल्यू है क्या, b² - 4ac। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ a का वैल्यू आपका 1 है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, और ये b = 1 - 3k है, और c = आपका दिया हुआ है 2 - k। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं b², तो यहाँ लिख देंगे d इक्वल टू हो जाता है आपका b², यानी 1 - 3k का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 1 और c है आपका 2 - k, और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + हो जाएगा आपका 9k²
और माइनस हो जाएगा आपका 6k, और यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4k ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6k और प्लस 4k, ये आपका हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 8 और यहाँ पे है प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये मेरा, अब ये भी मेरा क्या हो गया, k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व पहले हम लोग करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 9 7 जा क्या होता है 63 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर मेरा क्या आ जाए, माइनस 2k आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पे 63 आ जाए। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 9k स्क्वायर, फिर लिख देंगे यहाँ पे माइनस 9k और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस 7k और ये हो जाएगा माइनस 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए 9k हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 9k अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 1 और प्लस यहाँ से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा k माइनस 1 यहाँ भी एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दो मेरा निकल जा रहा है, एक तो आ जाएगा k माइनस 1 और दूसरा हो जा रहा है मेरा 9k प्लस 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गई इनइक्वलिटी की बात, तो इनइक्वलिटी के लिए हम आपको एक बार बता देते हैं कि फैक्टराइजेशन हमने कर लिया ना, नंबर लाइन पे इस दो के का वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम लोग पूछते हैं अपने आप से, इस क्वेश्चन को देखिए और पूछिए के का वैल्यू कैसा चाहिए। तो के का वैल्यू चाहता है कि वो सारा वैल्यू आप के का फाइंड आउट कर दीजिए जो हम अपने इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो वो हमेशा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी तो जीरो से बड़ा आ जाए। दैट्स मीन्स नॉन निगेटिव आ जाए। नॉन निगेटिव मीन्स होता है कि पॉजिटिव हो जाए या फिर जीरो से बड़ा हो जाए, ऐसा सारा k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर लाइन पे एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9, जो हम लोग लिख देंगे लेफ्ट साइड में माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ k माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू होगा 1 फाइंड, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 1। अब हमको बोल रहा है जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए वो सारा वैल्यू, दैट मीन्स यू कैन से दैट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, तो हमारा ये तीन सेक्शन में बट गया। अब हमको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस पार्ट वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे k के जगह पे, जिसका वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो जाए। सिमिलरली इस एरिया को चेक करेंगे और इस एरिया को चेक करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 से लेके और प्लस इन्फिनाइट तक में ऐसा कोई भी नंबर आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए और यहाँ पे पुट करके देखिएगा तो ये वैल्यू टोटल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इसके बाद माइनस 7 बाई 9 से लेके 1 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर इसमें पुट करके देखिएगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज आ जाएगा निगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। चलिए एक बार एक हम वैल्यू आपको चेक करके बता देते हैं, चलिए माइनस 7 बाई 9 और 1 के बीच में एक वैल्यू लेते हैं हम अपने मन से, चलिए 0 जो इसके बीच में लाइज करता है, तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन, और 9 मल्टीपल ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब बताइए माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7, और ये है क्या, तो निगेटिव क्वांटिटी है, तो दैट्स मीन्स माइनस 7 बाई 9 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा। अगर एक वैल्यू पे हमने चेक कर लिया और मेरा निगेटिव आ गया तो इस दोनों के बीच में ऐसा कोई भी वैल्यू आप दीजिएगा के का तो वो ऑलवेज निगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर, उसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 10 कुछ भी नंबर इस दोनों के बीच में यहाँ पे रखिएगा तो ऑलवेज इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिसाइड करना है वैल्यू चाहिए कैसा, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ग्रेटर एंड इक्वल 0 मतलब और इक्वल भी, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड कर दें।
-7/9 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, इसको भी इंक्लूड कर दें। एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इसका टोटल जो मेरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का वैल्यू आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब हम इसको आंसर लिख सकते हैं कि सर माइनस इन्फिनिटी से लेके और -7/9 के बीच में होगा इसका आंसर, और यूनियन हम लोग लिख देते हैं 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं। और इस आंसर को लिखने का एक और मेथड है, तरीका है, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं के का वैल्यू इधर जैसे जैसे जाएंगे हमारा वैल्यू क्या करेगा, लेस देन होगा। -11 और -10 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो -10 है, और सबसे छोटा क्या है, तो -11 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर के जो होगा ना वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा -7/9 के और एक और वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका k लेस देन एंड इक्वल टू -7/9 और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा k ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ओके, 1 दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी जेई के लिए और आप बोल सकते हैं 11 12 के लिए। वन थिंग्स इज दैट अभी तक लीनियर इक्वेशन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार अच्छा से आप लोग पढ़िए, और इनइक्वालिटी इसका एक रियल कॉन्सेप्ट चाहिए कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। रियल एक ऐसा सा टॉपिक नहीं, पर्टिकुलर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें उसका यूज है, इनइक्वालिटी का यूज है। हम लोग क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी, तो व्हाट इज दिस, यही चीज तो है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक का, बस यहीं तक क्वाड्रेटिक था, अब इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया ना। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कभी भी हमको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ है, तो वो छोटा छोटा जो भी टॉपिक है आप उसको बोल सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, तो वो सब चीज़ पे कमांड कर लीजिए। उसको जितना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना ज़्यादा उसका सॉल्विंग अप्रोच रहेगा आप लोग के पास, उतना ईजिली आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह है कि आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है बहुत ही अच्छा लगा होगा, बाकी इसमें हमको लगता है इनइक्वालिटी एक अच्छा सा अलग से टॉपिक मिलना चाहिए, वो हम आप लोग को बहुत जल्द ही वीडियो में अवेलेबल करेंगे। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से पॉज करके बनाइएगा, इसके बाद समझिएगा क्वेश्चन को, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कितने बजे, 3:30 बजे। तब तक आप क्या कर दीजिए, अपने वीडियो को अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय।